बिरजानी के बेस कैंप पे पहुंच चुके हैं। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी हुई है, मौसम बहुत मजे का हो गया हुआ है। सो ये हमारा सामान है, अब हमारे पास इतना सामान है, वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट इस सामान को अपने अंदर रखने के लिए और इसको कैरी करने के लिए। खाने पीने का सामान है, हमारे बैग्स हैं, सब कुछ है। यहाँ बेस कैंप पे आपने आना है और आगे आपने यहाँ गाड़ी वगैरह खड़ी करनी है और ऊपर आपने उस साइड से ट्रैक वगैरह स्टार्ट करना है। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमारी तरह मेस्ड अप ना हो, हमेशा की तरह हम फंस जाते हैं। सो दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट एंड आवर मेट्स आर रेडी नाउ, सनस्क्रीन लगा रहे ताकि रंग काला ना हो। ड्यूरिंग ट्रैकिंग नेवर अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ बट नेवर ओवरएस्टिमेट योरसेल्फ। जहां तक फैसिलिटी होती है गेन करें, अवेल करें अगर आप समझते हैं, उसके बाद आप अपने आप को टेस्ट करें। वी आर टेस्टिंग अवर सेल्स आवर लिमिट्स एंड मजबूरी के इतना बड़ा गोश्त वगैरह खराब हो जाएगा। सो वी आर गोइंग अप, इट्स जस्ट स्मॉल, एक डेढ़ घंटे की ट्रैकिंग का रास्ता हमने ऑलमोस्ट तय किया है, सामान के साथ, ड्रामेबाजियों के साथ, 3.5 घंटों पे। 4:30 बज चुके हैं और अब हमने डगरी बंगला जाना है। ऑब्वियसली ग्रुप में एक ना एक मसला होता है, किसी ना किसी को प्रॉब्लम्स होते हैं कि नहीं जाना, एक ऐसे कर लो वैसे कर लो। मेरा प्लान ये कि उनको लेके जाना है ना। ये मीर जानी का एग्जैक्ट टॉप नहीं है, उसका टॉप उस साइड पे, लेकिन राइट नाउ वी आर समवेयर ऑन द मेडो, मैं किसी मेडो पे हूँ। व्यू बहुत आसान है, हमेशा ग्रुप में जब भी आप प्लान में किसी की ना सुने, अपने माइंड में जो आपके चल रहा है उसको चलाते हैं, क्योंकि हर कोई अपने अपने लिहाज से चल रहा होता है। चलाने का भी तरीका यही, बस ये को दो मिनट। सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू डगरी बंगला, लेट्स सी आगे क्या है। आगे यहाँ से कहते हैं इस पॉइंट से पहुँचने के बाद रास्ता तकरीबन रह जाता है 2-2.5 घंटे का और 12 किलोमीटर ओनली। लेट्स सी, खबे छबे करते हैं। अभी खाना पीना अच्छा किया करें, जब भी ट्रैकिंग करनी हो मेरी तरह पुट्टी सीधे खाने ना खाया करें। दिस इज द डगरी बंगला। फाइनली हम कल रात को यहाँ पे 8 बजे के करीब पहुंच चुके थे। दिस इज द व्यू, जंगल से आएंगे ये साथ ही आप इधर इस साइड पे एंट्रेस करेंगे। आई एम ऑलवेज, वो डगरी बंगला है और ये सारा जंगल है, मतलब अच्छी जगह है। अब आप इसको विजिट करते जाएं साथ साथ। ये डगरी बंगला की बैक साइड है, अंग्रेजों के दौर का बना हुआ है। अंग्रेज महाराजा राजे आते थे यहाँ पे, वो यहाँ पे याशी करने आते थे, अपनी इनकी पोस्टल सर्विस थी। मुझे समझ नहीं आती है कि वो लोग उस जमाने में इनकी पोस्टल सर्विस ऐसी क्यों होती थी कि इतने ऊंची जगहों पे, रिमोट जगहों पे खत सिर्फ पहुँचाने के लिए उन्होंने ये सारी मशक्कत की। डगरी बंगला की लेफ्ट साइड पे हट बने हुए हैं, ये एक हट थे, ये यहाँ पे रहते थे, ठीक है। सो इफ यू सी, यहाँ पे रात को हमने कैंप फायर किया था, ये है। सो दिस इज द रूम फर्स्ट, ये पहला रूम है। दिस वॉज आवर कैंप, यहाँ हमने कैंपिंग की थी रात को, काफ़ी बारिश वगैरह हुई थी। एंड द जंगल, और भाई लोग ये भाई यहाँ पे पहले से आए हुए हैं, रात को बोन फायर वगैरह होता रहा है, खाबा शाबा चलता रहा है। दिस इज अ वेरी सीक्रेट प्लेस। थिंग इज के आप जब भी आए इस तरह की रिमोट जगहों पे आए, अपना बारबेक्यू का सामान वगैरह लेके आएँ लाजमी। अगर सामान खाने पीने का अपना लेके आएँ, पानी का बहुत मसला है यहाँ पे। पानी यहाँ से तकरीबन आपको मिलेगा ऑलमोस्ट हाफ आवर के फासले पे है, छोटा छोटा पानी आ रहा होता है। ये मेन जो एक्चुअल बिल्डिंग है विच इज़ नोन एट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं सुना जाता है, ये वो बिल्डिंग है। मतलब देखा जाए तो इसकी एज है तकरीबन 80-90 ईयर्स, वो देखें जिन नज़र आया।
सो दीवारें गिर चुकी हैं, इसकी प्रिजर्वेशन का कोई काम नहीं हुआ हुआ। यहाँ पे एक और बहुत बड़ा मसला है, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वॉशरूम। सो वॉशरूम नहीं है तो क्या होता है? होता ही है कि फिर जो सी ये साइड्स है ना, ये जंगल है, अंधेरा जंगल है, ये आपके मेन दोस्त होते हैं। यहाँ पे आपने छुप छुपा के सबसे नज़रें बचा के और अपने आप से भी नज़रें बचा के इन जगहों पे जाके जो करना होता है कांड कर सकते हैं। बिल्डिंग पूरी टूट चुकी हुई है, कंप्लीट खस्ता हालत में है, और दैट साइड लीड्स टू एबटाबाद, वो पीछे एबटाबाद का व्यू है, एंड दिस इज़ द मेन डगरी बंगला फ्रंट बिल्डिंग। पता नहीं मेरा मुंह ज़्यादा आ रहा है या बिल्डिंग ज़्यादा आ रही है। स्टिल अगर हम इसकी इनसाइड पे जाएं तो ख्याल रखा नहीं गया होगा, चीज़ें पड़ी हुई हैं, टूटी छूटी गम शम पड़ा हुआ है। ये अगर आप बिल्डिंग के अंदर आते जाएं, सो दिस इज़ द फर्स्ट रूम। आई डोंट नो ये किस चीज़ के लिए था, जस्ट किचन वगैरह होगा। और ये पूरी जगह हॉन्टेड टाइप लग रही है, मतलब गिरी हुई है, बारिश है, कोई हुकूमत ने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया है, देना चाहिए था। यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त लोग हैं, जाम जुनू नूरबान खान वट एवर, उन्होंने नाम लिखे हुए हैं। यू नो हमारी टिपिकल आदत होती है, हम कहीं भी जाते हैं तो कोई नाम वगैरह लिख लेते हैं, ए दिल, पी पी दिल, के दिल, जी। ओह, ये इसका एक और कमरा है। तो ये बिल्डिंग क्लैप्स होने को है, इसके हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कुछ लोगों की खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं अपनी। सो दिस इज अनदर साइड, ये रूम है, एंड दिस इज अनदर रूम। सो वन डिज टू अनदर, बंदा रात को अकेला यहाँ पे ना, इस जगह कैंपिंग करने से सही जिन भूतों वगैरह का मसला हो सकता है। वहाँ एक हॉन्टेड साइड लगती है। कीप गोइंग। सो आपको कुछ लोग भी मिलेंगे बाहर से आए हुए, गोरे लोग आए हुए हैं पिक्चर लेने। सो दिस इज द थर्ड बिल्डिंग, इसका मैंने अभी तक व्यू नहीं किया था। मुझे लगता है इस जमाने में वो किचन वगैरह होता होगा उनका। ये पता नहीं किस चीज़ का कमरा था, ये किचन ही होगा आई गेस, आई एम नॉट श्योर ये कौन सी जगह थी। सो गोरों ने यानी कि सही वाला काम किया हुआ है। अब एज इन होल अगर इस चीज़ को कंपाइल किया जाए तो व्हाट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इट वाज कि हमने बगैर रेस्ट के काफ़ी लंबा सफ़र वगैरह किया था और उसके बाद बहुत लंबी ट्रैकिंग वगैरह की थी। तो पर्सनली मैं यही रिकमेंडेशन दूंगा कि आपको कि जब भी आप सफ़र वगैरह करें तो रेस्ट वगैरह करके करें। रास्ते में हम घूम चुके थे, घूमे नहीं थे मतलब डर गए थे थोड़ा, चीते ना खा जाए इतने प्यारे बच्चों को, इतने बड़े मटन पीस को, या इसके अलावा कोई चोर वगैरह ना आ जाए, इस तरह की कहानी ना हो जाए। और उसके बाद सेकंड चीज़, हम रात को 8 बजे तकरीबन यहाँ पे पहुँचे हैं, हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा सामान था। फिर लोगों ने हमें खाना पीना दिया, बड़े मुलनसार लोग एबटाबाद के भाई वगैरह मिले, उन्होंने हमें खाना सर्व किया, हमारा ख्याल रखा काफ़ी, घंटा सोए हैं, पैनाडोल की 2 गोलियाँ ली हैं, और गोलियाँ लेने के बाद थोड़ी फ्रेशनेस फील हुई है, फिर लूडो खेली और लूडो जीते हैं चीटिंग के साथ। और उसके बाद फिर हम लोग सुबह उठे हैं, खाना वगैरह किया। टिप्स ये हैं, अगर आप मीरानजानी से शुरू करें तो मीरानजानी पीक पे नथिया गली से जाते हुए 4 किलोमीटर का फासला है, और आगे तकरीबन है 7 किलोमीटर का, वहाँ से आगे जो मीरानजानी वाला जो है ना एरिया वो है स्टीप, तो वहाँ पे आपका सारा स्टेमिना होना चाहिए। वहाँ पे कोक शोक पी के नहीं आनी प्रॉपर, आप थोड़ी ना प्रैक्टिस वगैरह करके, अभी तो मौसम अच्छा था हमने कर ली, वरना हम भी कोक शोक बड़ी पीते हैं। और उसके बाद अगर आप आगे आए तो अगर हम इसी के साथ अगर हम दूसरे एंड पे जाएं, जब हम ओके सो दूसरे एंड पे जाएं जब हम, तो अच्छा, और इसके बाद अगर आप उसी साइड से वापस जाएं, कहाँ पे था, मीरानजानी पहुँच गए हैं, तकरीबन 4 घंटे आपको लगेंगे ऑन एवरेज, और वहाँ से आगे का फासला है तकरीबन 3.5-4 घंटे का मज़ीद, वो 7 किलोमीटर का फासला है। टफ़ नहीं है, बस आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, आपके नर्व्स अच्छे होने चाहिए। तो ये मेरी कहानी है वो बिल्डिंग है। खाने पीने का अगेन, पानी बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं, सब पानी की कमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ खाना कम से कम खाएं ताकि आपको जंगल पानी के लिए जंगल में कम जाना पड़े। लैपर्ड्स का एरिया कहा जाता है इसको, डगरी
आई डोंट नो इसका मतलब क्या, डगरी मतलब डी डगर पे चला कर, तो इस वजह से यहाँ के लोग डगर पे नहीं चलते थे इसलिए इसका नाम डगरी पड़ गया था, नॉट श्योर। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज़ अ प्लेस, ये एक पॉइंट व्यू है, इसका कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है, लेकिन बड़े अरसे बाद इतना क्लियर व्यू नज़र आ रहा है कि नीचे एबटाबाद वाली साइड है, फिर आगे वो है कोहला साइड है, फिर अपरदीप साइड है, फिर इसके बाद वो लंबी लंबी जो पहाड़ियाँ हैं, ये लंबी लंबी पहाड़ियाँ हैं, ये कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं, कश्मीर और मे भी जम्मू कश्मीर नेकेड आई से, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू है।